बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी समाज के लोगों को चुनकर असेंबली और पार्लियामेंट भेजेगी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा की स्पेशल सीरीज काशीनामा। पहली पंक्तियां जो मैंने कही है वो मेरे शब्द नहीं है, वो काशीराम के शब्द हैं। और मैं बता दूं कि 1996 में जनवरी और फरवरी में दो रैलियां बसपा ने सैनी समाज के लिए की थी, और भी रैलियां की होंगी, लेकिन 30 जनवरी 1996 की रैली है और दूसरी रैली है 12 फरवरी 1996 को। 30 जनवरी 96 को छुटमुलपुर, सहारनपुर का एक गांव है, वहां रैली हुई थी। और जो 12 फरवरी की रैली है वो सरधना मेरठ जिले में वहां पे हुई थी। इस रैली में जो उन्होंने बातें कही वो बातें मैं सारांश, दोनों भाषण का सारांश मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरठ से 25 किलोमीटर दूर सरधना में सैनी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने किया था और विशिष्ट अतिथि थे काशीराम। उन्होंने कहा कि 1948 में ज्योतिबा फुले ने सामाजिक परिवर्तन की लहर शुरू की। लगभग 150 साल पहले पूना में यह लहर शुरू हुई, पूना से चलकर आज उत्तर प्रदेश के हर कोने में फैलती जा रही है और इसमें सैनी समाज, कुशवाहा समाज सबकी भूमिका है। इसका जिक्र करते हैं कि जिसकी वजह से इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र सरधना में हमारे साथी श्री हरपाल सिंह सैनी ने इस समारोह का आयोजन करके हमें आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया है। आप लोग इकट्ठा होकर महात्मा फूले के शुरू किए गए इस मिशन को समझने का मौका दिया। हमें आप लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात कहने का और सैनी समाज के साथियों को समझने का मौका दिया। आगे उन्होंने कहा कि आजादी के 5 साल बाद अर्थात 1952 से ही इस देश में चुनाव हो रहे हैं, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, आप लोग अपना वोट किसी न किसी पार्टी को देते रहे हैं। लंबे अरसे तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद किसी और पार्टी को और कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते रहे, लेकिन आपका उम्मीदवार जीत नहीं पाया। आपके उम्मीदवारों को दूसरी पार्टियां बहुत कम टिकट देती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने यह तय किया है कि समाज के हर अंग को बड़े पैमाने पर टिकट देकर असेंबली और पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। आपके क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सैनी समाज काफी संख्या में है, लेकिन असेंबली या पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन बहुजन समाज को संगठित करके जातियों के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़कर उसकी व उनकी एकता बनाकर, उनका संगठन बनाकर बड़े पैमाने पर मौका दिया है कि हम भेजेंगे पार्लियामेंट और असेंबली में सैनी समाज के लोगों को। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज तक गरेड़िया समाज के लोग, पाल, बघेल, कुम्हार समाज के लोग, लोहार, तरखान, नाई, धीवर आदि ऐसे समाज के लोग अगर असेंबली में पहुंचे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली बार पहुंचे हैं। ऐसे समाज के लोगों को वोट देने का मौका तो 1952 से ही मिला, लेकिन अपने उम्मीदवार भेजने का मौका नहीं मिला। हमने बहुजन समाज के लोगों की अपनी पार्टी बनाकर इनको असेंबली में पहुंचने का मौका दिया है। यही नहीं, बल्कि जब मायावती की सरकार बनी तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग, जिनके विधानसभा या पार्लियामेंट में मेंबर चुनकर नहीं जाते थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने 11 सदस्य को विधानसभा में चुनकर भेजा और सभी को
मंत्री बना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सैनी समाज का कोई एमएलए नहीं था, इसलिए हम उसको मंत्री नहीं बना पाए। इसी तरह गुर्जर समाज का भी हमारे पास कोई एमएलए नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि 6 महीने के लिए तो हम बगैर एमएलए भी मंत्री बना सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक गुर्जर भाई है चौधरी जगवीर सिंह, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जिनके पास एमएलए नहीं है, दूसरी पार्टियों से जीत कर भी नहीं आए हैं, हमारी पार्टी नहीं होने के कारण हमारी पार्टी से भी चुनकर नहीं गए, इसलिए आज तक उनको इस देश के शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं मिली है। आगे उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है और दावा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी, इस समाज के हर अंग को उसकी संख्या के हिसाब से उसको भागीदारी देंगे, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, मंत्रिमंडल हो, या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका हो, सबको भागीदारी देंगे, सबको यह मौका मिलेगा। तो इस विचारधारा के आधार पर बहुजन समाज पार्टी हम लोगों ने बनाई है। यह कोई कांशीराम की और मायावती की पार्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, यह कोई कांशीराम की या मायावती की पार्टी नहीं है, यह बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों ने मिलजुल कर, सभी समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज ने, सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, इसीलिए इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इन सब लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला। कितनी शानदार बात है, कह रहे हैं कि ये मेरी भी या मायावती की पार्टी नहीं, बहुत समाज की पार्टी है और सबको उसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। आगे कहते हैं अंत में कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो साथी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको राजनीति में मौका मिलेगा, जिंदगी के हर पहलू में उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मिलजुल कर हम लोग बहुजन समाज को इस देश का आज नहीं तो कल हुक्मरान बना कर रहेंगे। बहुजन समाज का वोट इस देश में सबसे ज्यादा है और वोट पर हुकूमत बनती है, हुक्मरान बनता है। जिन लोगों के पास 100 में से 85 वोट हैं, उन लोगों को तो बहुत पहले ही हुक्मरान बन जाना चाहिए। दुख की बात है, आज तक हम इस समाज के हुक्मरान नहीं बन पाए, लेकिन आज हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग मिलजुल कर, संगठित होकर, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हम बहुजन समाज के साथियों को एमएलए एमपी बनाकर शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि जो बातें मैंने कही हैं और आप लोगों ने ध्यान से सुनी हैं, इसके ऊपर अमल करेंगे और देश की समाज व्यवस्था का परिवर्तन करने में पूरा पूरा सहयोग देंगे। हम लोग मिलजुल कर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का माहौल इस देश में बना पाएंगे और इस देश में मनुवाद का खात्मा कर मानवतावाद का बोलाबाला कर पाएंगे। इसलिए साथियों, मेरी आप सभी से अपील है कि मेरी इन बातों को समझ कर इन पर अमल करें, मिलजुल कर बहुजन समाज को बनाएं और अपने अधिकार हासिल करें। आप ऐसा जरूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। गौर से सुनिएगा इस भाषण को, इसके विश्लेषण कीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, बहुजन समाज की पार्टी है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम।